नमस्कार साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें इस समय हमारे फैजपुर कस्बे के अंतर्गत सीएस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा जो है खेलों का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें खेलों के आयोजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी फैजपुर श्री आशुतोष सर के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं हम सबके लिए, तो आइए सुनते हैं उनकी पूरी बात को। जो भी माननीय सदस्य इस मंच पर आसीन हैं और जो भी छात्र नीचे मैदानों में हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो ये जो क्षेत्रीय स्पोर्ट्स मीट है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे छोटे कस्बों से भी लोग निकलकर आजकल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश को। तो आप सभी को मैं यही राय दूंगा, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। आपके प्रधानाचार्य जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर अगर आप आ जाएँ तो थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाए बच्चों का। देखिए, उत्साहवर्धन सबसे पहले तो आपके अंदर से आपको आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। ठीक, कोई भी बच्चा होता है, आप लोग अगर 5-6 क्लास तक जब तक पहुँचते हैं, हर बच्चे को एहसास हो जाता है वो किस चीज़ में परफेक्ट है। किसी को कोई इतिहास ज़्यादा समझ में आता है, किसी को गणित ज़्यादा समझ में आती है, किसी को समझ में आता है भाई पढ़ाई लिखाई हमारे बस की बात नहीं है, हम खेल कूद में ही ठीक हैं। कोई कलाकारी ड्राइंग इनमें अच्छा होता है, कोई टेक्निकल चीज़ों में अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ों का एहसास आपको शुरू के 10 सालों में, पैदा होने के 10 सालों में एहसास हो जाता है। और अगर आपको सफल होना है, एक ज़माना था जब बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, वो ज़माना पहले हुआ करता था। लेकिन अब ये ज़माना है कि आप कुछ भी करते हो, कोई भी टैलेंट आपके पास है, अगर आप उसमें परफेक्ट हो, उसमें आप बाकी भीड़ से अलग हो, तो आप आउटस्टैंडिंग हो। ठीक, अगर आप अच्छा खेलते हो, जैसे मैं डिप्टी एसपी रैंक पर हूँ यहाँ, लेकिन आपने देखा होगा कई खिलाड़ी हमारे हैं जो ओलंपिक हो गया या कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए या नेशनल गेम्स हो गए, इनमें जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको राज्य सरकार डायरेक्ट डिप्टी एसपी के पोस्ट पे अपॉइंट करती है। मैं खेल में उतना अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, बहुत प्रथम नहीं आता था, लेकिन मैं पढ़ाई में ठीक था, मैं पढ़ लिख कर यहाँ पहुँचा। पर अगर आप पढ़ाई में ठीक नहीं भी हो और अगर खेलने में नंबर वन हो और इंटरनेशनल लेवल पे अगर देश को कोई पदक दिलाते हो, तो आप भी यही वर्दी पहन के यहाँ खड़े रह सकते हो। इससे ज़्यादा मैं आपको मोटिवेट करने के लिए और क्या कह सकता हूँ। आपको एसडीएम बनना, आप एसडीएम बन सकते हो। राज्य सरकार की सबसे ऊंची दो पोस्ट होती है डिप्टी एसपी और एसडीएम, ये दोनों आपको मिल सकती है अगर आप देश का मान बढ़ाते हो, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को पदक दिलाते हो। तो इस खेल का जो ये क्षेत्रीय स्पोर्ट्स मीट है, इसको सबसे पहला स्टेज समझिए। इसके बाद बता रहे थे कि जिला स्तरीय भी होगा, कल को आप स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे भी जाएंगे, पर किसी भी चीज़ को छोटा ना समझें और अपना 100% उसमें दें। और अगर आप पढ़ाई करने में भी अच्छे हैं, तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो बेकार है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो भी आप खेलें, रोज कुछ ना कुछ समय निकाल के कोई ऐसा कार्य जरूर करें जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज हो और आप फिट रहें। आजकल खान पान की चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जंक फूड, सबको बर्गर पिज्ज़ा ही पसंद आता है, मुझे भी आता है, लेकिन आप अगर उतना कैलोरी बर्न करने के लिए उतना फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब आप वेल मेंटेन रहेंगे, हर चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप वो छोड़ के, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते बैठ के पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ गेम खेल रहे हैं, टीवी पे वीडियो गेम खेल रहे हैं, सिर्फ कंप्यूटर चला रहे हैं, उससे आप ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना पोल्यूशन हो चुका है, ये फरीदपुर देखिए आप कस्बा है, फिर भी अगर आप हमारे सिपाही 2-4 घंटे अगर चौराहे पर बैठ जाते हैं पूरे धूल से नहा लेते हैं, इतनी धूल उड़ रही, इतना पोल्यूशन है, इतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, इतना पार्टिकुलेट मैटर्स हैं हवा में। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो, और स्पोर्ट्स से ज़्यादा अच्छी कोई, जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं इनसे अच्छी कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप करें। आप में से कुछ मुझे एनसीसी और कैडेट्स वाले भी लग रहे हैं, आपको ये बता दूं अगर आप इसमें भी परफेक्ट हैं तो कल को पीसीएस या आईपीएस कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स हैं इस चीज़ के लिए, अगर आपका सर्टिफिकेट सी लेवल का है। तो इन सभी चीज़ों से आप समझिए, कोई भी चीज़ आज के ज़माने में व्यर्थ नहीं है। जिस भी चीज़ में आप परफेक्ट हैं, समय मत व्यतीत कीजिए। शुरू के 10 साल, अगर आपकी उम्र 10 साल 12 साल है, तो आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं और उस चीज़ पे काम कीजिए, और उसी चीज़ में महारत हासिल करके आप जो चाहें वो पा सकते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छी इज्जत, सब कुछ। तो इस जो ये स्टेज है क्षेत्रीय मीट का, इसको बखूबी आप लोग इसमें इसका इस्तेमाल करें, इसमें अच्छे से प्रतिभाग करें। और स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो चीज़ें, जैसे मैं एक बेल्ट फोर्स में हूँ, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, कोई भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो गई, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो स्पोर्ट्स में ही होती हैं, जैसे टीम स्पिरिट,
अगर टीम का कोई गेम है तो कैसे टीम के साथ मिलकर उसको करना है, ठीक है, डिसिप्लिन, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। हर चीज़ में आपको लाइफ में या कोई भी काम करते हो उसमें फेल्योर होता है और प्रैक्टिस से आदमी सुधरता है। यही स्पोर्ट्स में भी होता है। आप दौड़ लगा रहे हैं, अगर आप 100 मीटर 10 सेकंड में पहले दौड़ रहे हैं और इम्प्रूव किए, एक महीना किए अब 9.5 सेकंड में दौड़ रहे हैं और किए अब 9.25 सेकंड में दौड़ रहे हैं, तो ये आप इम्प्रूव कर रहे हैं हर बार और यही चीज़ आपको लाइफ में भी आगे दिखेगी। कोई भी चीज़, मैंने भी एग्ज़ाम दिया, एक बार दिया नहीं हुआ, दूसरी बार दिया तब हुआ, तो ये स्पोर्ट्स ही आपको सिखाता है कि अगर एक बार में आपको मंजिल नहीं मिलती है तो लगातार उसके लिए प्रयत्न करते रहें, जरूर मिलेगी, ठीक। दूसरा, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से रहें, जब सीटी बजे तभी दौड़ें, रेखा पार ना करें उससे पहले, फाउल ना करें, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये रूल्स, ये डिसिप्लिन बताती हैं। डिसिप्लिन ही है जो मानव को अलग करता है जानवर से, वरना हम भी जानवर जैसे ही, हम भी सुबह उठते हैं खाते हैं और जानवर भी सुबह उठता है अपना खाने का इंतजाम देखता है। तो हम सोसाइटी में हैं, एक डिसिप्लिन ही है, एक मर्यादा ही है जो हमें अलग करती है जानवरों से, तो हम मानव बने रहें उसके लिए भी ये स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन सिखाता है। और तीसरा है कि टीम स्पिरिट, मैं अकेला पूरा तहसील नहीं चला सकता, मेरी टीम में 3 थाने हैं, 3 थानों के कोतवाल हैं, उसके अंदर कई सारे दरोगा जी हैं, उसके अंदर कई सारे सिपाही हैं, कई महिला कांस्टेबल हैं, महिला सिपाही हैं, महिला दरोगा हैं, ये पूरी टीम है, कोई भी काम मैं अकेला नहीं कर सकता और उसके लिए मुझे पूरे टीम को मोटिवेट करना है, पूरे टीम को लीडरशिप देनी है, यही काम आपकी टीम का कैप्टन करता है कि नहीं। अगर फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, कोई भी टीम गेम होता है, वॉलीबॉल होता है, उसमें क्या होता है, कैप्टन होता है, बोलता है भाई तू इधर जा, तू ऐसे कर, तू ये कर, सबके रोल बटे हुए होते हैं, ठीक। उसी तरह ये जैसे स्पोर्ट्स में कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारी आपको ओवरऑल अच्छा बनाएंगी, अगर आप स्पोर्ट्स में ही रहते हो तो भी और कल को किसी और फील्ड में जाते हो तो भी। तो इसको बहुत ही सीरियसली लें और CIS इंटर कॉलेज ने बहुत ही अच्छा आपको मंच दिया है, इसका अच्छे से प्रयोग करें और ये धूप वूप से न डरें, आधे लोग उधर जाके बैठ गए, पीछे मुंह छुपा रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हमारी ट्रेनिंग में हम लोग तो गजेटेड अफसर हो गए थे, तो भी जब हमारी एक साल की ट्रेनिंग होती है अकेडमी में, हमें शाम को जून के टाइम में दोपहर में 2:30 बजे शाम की परेड होती थी 5 बजे से, पर 2:30 बजे बुला के सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया जाता था और वो खड़े हैं हम लोग इसी तरह लाइन पर, और किसी को पसीना भी टपक रहा, मच्छर भी काट रहा, तो हाथ नहीं हिलाना है। कहा जाता था सांप भी चढ़ जाए शरीर पे तो शरीर नहीं हिलाना है, ठीक। जबकि हम लोग बहुत पढ़ लिख के वहाँ नौकरी पाए थे, हम लोग को लग रहा था अब तो लाइफ आसान हो गई। तो आप तो अभी शुरुआत में हो, अपने आप को इस टफनेस के लिए ढाल लो, सूरज बारिश गर्मी गला थोड़ी देगी आपको, आप मिट्टी के थोड़ी बने हुए हो कि गल जाओगे यहीं बारिश में और सूरज से। तो अपने आप को टफ बनाओ और फिर भविष्य में जहाँ भी जिस भी फील्ड में जाना हो, अगर खेलने में अच्छे खूब अच्छे से खेलो, कल को डायरेक्ट डिप्टी SP बन जाओगे, ठीक। और नहीं तो पढ़ने में अच्छे हो तो खेल के अपना माइंड फ्रेश रखो, फिट रखो, उसके बाद जाके पढ़ाई करो। लेकिन जो चीज़ आपको ये खेल सिखाते हैं कि अपने गुरुजन जो बोले उसको फॉलो करना, फेल हो जाए तो दोबारा कोशिश करना, इम्प्रूव करना, हर बार कोशिश करके इम्प्रूव करना, टीम बना के चलना, नियम को फॉलो करना। आप अगर कल को बेईमानी का जाओ, साहब मैं 4 मीटर नहीं, मैं 4.5 मीटर कूदा था, पर आपका दिल तो जानता है आप गलत बोल रहे हो। यहाँ मान लो ये क्षेत्रीय है, यहाँ आप मेडल पा जाओगे कि देखा नहीं कोच साहब ने, पर नेशनल और इंटरनेशनल में तो 85 कैमरे लगे रहते हैं, वो 1-1 इंच नाप देंगे आपका, वहाँ तो फेल होके आ जाओगे। और तब तो यहाँ सिर्फ फेल होगे, वहाँ अपने देश को भी फेल कराओगे, देश को भी शर्मिंदा कराओगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखो, नियम कानून को फॉलो करो, डिसिप्लिन को अपने दिल में उतारो और इन सब चीज़ों से अच्छा भविष्य देश का बनाओ, अच्छा भविष्य अपना बनाओ, फरीदपुर का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो इन अच्छी चीज़ों से, ठीक। जब हम आपके उम्र के थे तो इतने खिलाड़ियों का नाम हम लोग नहीं जानते थे, इतने खिलाड़ियों की पूछ नहीं होती थी। आज केंद्र सरकार 10 योजनाएं ले आई है, राज्य सरकार 10 योजनाएं ले आई है, खेलो इंडिया, इतना सरकार पैसा लगा रही, फैसिलिटीज दे रही है, क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि खेल से जिस देश में देखते हो रैंकिंग बनती है ओलंपिक में देशों की, सबसे ज़्यादा किसने मेडल जीते, है कि नहीं। और आप देखो जो पावरफुल देश हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, ये मेडल में भी ऊपर रहते हैं कि नहीं, यूरोपियन देश हो गया, ये मेडल में भी ऊपर रहते हैं कि नहीं। ये जो मेडल तालिका है वो भी दिखाती है कि उस देश का ह्यूमन रिसोर्स, जिसको मानव संसाधन कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, कई संसाधन होते हैं देश में, कोयला हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया, जल संसाधन, वायु संसाधन, 10 संसाधन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मानव संसाधन, वही इन सारे संसाधनों को यूज़ करके देश बनाता है, इस्तेमाल करके। तो जो जितना अच्छा मेडल ला रहा है उस देश का मानव संसाधन उतना अच्छा है, और तब वो इतना अच्छा है तो उस देश में थोड़े प्राकृतिक संसाधन कम भी है ना, तो उसको इस्तेमाल करके वो देश प्रगति करेगा।
तो आप अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, इतना क्वालिफाइड बनाओ, इतना फिट बनाओ, इस देश का, भारत का मानव संसाधन इतना समृद्ध हो कि बाकी थोड़े बहुत संसाधनों की कमी भी हो तो देश मेकअप कर जाए और हमारा भारत आने वाले समय में नंबर एक देश बन जाए। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में जो भी होगा, जो भी विजेता होंगे उनको भी शुभकामनाएं, और जो इसमें प्रतिभाग करेंगे, भले मेडल नहीं जीतेंगे, प्राइज नहीं जीतेंगे, उनको भी शुभकामनाएं। मैं भी कभी मेडल नहीं जीता था लेकिन मैं ट्राई करता था हर चीज में। ठीक है, आज आप में से कई मेडल जीतेंगे, वो भी मुझे सुन रहे हैं ना। इसी तरह इस भीड़ में कई होंगे जो मेडल नहीं जीतेंगे, पर कल को आप भी यहाँ खड़े रहोगे और जो मेडल जीते हैं वो भी आपको सुनेंगे। ठीक, तो पूरा मन लगा के खेलो, मन लगा के मेडल जीतो और अपने माँ बाप और क्षेत्र का नाम रोशन करो। जय हिंद।